अब तक कितना खर्चा हुआ आपका? अभी तक मेरा 40,000 रुपया खर्चा हो चुका है साहब। अच्छा, क्या हुआ बाबा आपको? दिमागी हालत एकदम बैठ गया है। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? आरा बबनौली घर है। कौन दवा नहीं मिल रहा है? यहाँ कोई दवा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इनकी समस्या है, ये जितना भी दवा लिखा गया है, प्रिकॉशन लिखा गया है डॉक्टरों के द्वारा, यहाँ नहीं मिल रहा है। ये मरीज है, ये PMCH है और देख रहे हैं, ये भी पेशेंट है। आप कहाँ से आए हैं? शास्त्री नगर। क्या सुविधा यहाँ नहीं मिल रहा है? सुबह से वार्ड के लिए बोला गया है चेंज करने के लिए, अभी तक कोई भी वार्ड नहीं है। अच्छा, ये PMCH का टाटा वार्ड है जहाँ पर मरीज की बदहाली है और देख सकते हैं क्या स्थिति है। क्या करेंगे आप लोग? हम सर अब क्या करेंगे, लास्ट में मेरे पास पैसा नहीं, अब तो घर नहीं लोग रहे साहब, घर जाएंगे साहब, क्या करेंगे? मेरे पिताजी मर जाएंगे साहब, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा साहब, मुझे एक सिरिंज तक नहीं मिल रहा है। कल हम गए साहब के पास, साहब के पास गए तो वो भी बोल रहे हैं कि भैंका मार के जाकर तुमको बाहर निकलवा देंगे। देखिए सर, अब मरीज यहाँ पर, ये टाटा वार्ड है सब, क्या हो गया? कौन देख कर गया? कोई दवा नहीं, पेशेंट डेड कर गए हैं। साक्षात प्रमाण मेरे पास नहीं, इनके अनुसार पेशेंट डेड कर गए, यहाँ पर मृत्यु हो गई है। इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ इलाज नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई दवा यहाँ से मिलता है कि नहीं? कोई दवा नहीं, इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं। पेट की हालत ऐसी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ये पेशेंट को सोने के लिए दिया गया है, कल जहाँ बैठे हुए था एक भी तखाल है साहब, नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, यही इनका मेडिकल रिपोर्ट है। और जितने भी दवाई आती है ये बाहर से लाते हैं, मजबूरी समझ सकते हैं गरीब का। सर, मुझे ये दवा चाहिए। दवा इसमें है कोई अवेलेबल? बस एक वो है, बाकी सब दवाई कहाँ मिलेगा? यहाँ क्या खत्म हो गया का दवाई? अच्छा, वाह जी वाह, सदवा मिलेगा बाहर ना? जी साहब। जी हाँ, इस वक्त आप PMCH का नज़ारा देख रहे हैं और मैं हूँ देवेंद्र कुमार, जो आपको PMCH का बदहाली दिखा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है टाटा वार्ड में। ये पेशेंट एडमिट है, ये दवाई खरीदने के लिए दवा वितरण केंद्र जाते हैं लेकिन वहाँ दवाई नहीं मिलता है। डॉक्टर के द्वारा लिखा गया सारा दवाई PMCH के बाहर मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कहते हैं कि PMCH दुनिया का सबसे बढ़िया अस्पताल है, यहाँ पर हर सुख सुविधा मिलता है, लेकिन वीडियो में आपने देखा कि कितने दर्दनाक कहानी है उस टाटा वार्ड का। इन्हीं के परिजन है जो एडमिट है और एक इनका है जो इनका परिजन एडमिट है। अब इनसे जानते हैं क्या क्या परेशानी हो रहा है, खुलकर बोलिए, क्योंकि अंदर में हमें रोक दिया गया रिपोर्टिंग करने के लिए, इसलिए हम PMCH के गेट के बाहर खड़े होकर आपको PMCH का बदहाली दिखा रहे हैं। बताइए भैया। साहब, हम लगभग आज 5-6 दिन हो गया यहाँ पे अपना पिताजी को लेकर भर्ती किए हैं, यहाँ पे एक दवा नहीं मिल रहा है। 20 दवा लिखा जा रहा है, उसमें से एक दवा मिल रहा है, बोल रहे हैं लोग बाहर से जाकर लाइए। यहाँ सुई निडिल भी नहीं मिल रहा है साहब, बोलते हैं कि जाके बाहर से लेकर आइए। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है साहब। क्या हो रहा है? बाहर निकलने के बाद दलाल पुर्जा पकड़ रहा है, जितने भी गली में दुकान है सब दलाल पर चढ़ रहा है। गेट के सामने जो भी दुकान है वहाँ गेट के सामने देखिए कितना दलाल है, देखिए दलाल पुर्जा पकड़ रहा है, देखिए तू पुर्जा पकड़ेगा, पेशेंट को ले जाएगा, 20 पेशेंट 30 पेशेंट कह के दिलाता है जेनरिक दवाई। यहाँ लोग बोलते हैं कि चलिए सस्ता सस्ता दवा दिलवा देंगे, अब वहाँ जाके इतना महंगा महंगा दवा दिलवाते हैं। हम तो यहाँ का नया आदमी है साहब, हम आरा से आए हुए हैं,
हम क्या करें साहब, हम यहाँ मजबूर हैं, 40,000 रुपये लेकर हम घर से चले हुए थे, लेकिन मेरे पास 200 रुपये मात्र बच चुका है। अब खाना खाएंगे कि अपने पिताजी को इलाज कराएंगे कि हम अपने घर पर जाएंगे साहब? यहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पास दवा नहीं, जाकर बाहर से लेकर आइए। हम क्या करें साहब? हम नीतीश जी का हम क्या वोट नहीं देते हैं? नीतीश जी का हम वोट देते हैं, नीतीश जी से हमको लड़ने का हक है साहब, लेकिन नीतीश जी के यहाँ कोई अथी नहीं। लोग बोलते हैं कि जाके बोल दीजिए नीतीश जी से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल एक सीनियर साहब के पास हम गए अपना रिपोर्ट लेकर कि साहब मुझे दवा यहाँ नहीं मिल रहा है, तो बोल रहे हैं कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको गार्ड से धक्का मरवा के निकलवा देंगे। ये बताइए आपका मरीज साहब क्या क्या हो रहा है? मेरे पिताजी के साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और सुबह से लेके बोला जा रहा है कि वार्ड चेंज किया जाएगा, लेकिन अभी तक वार्ड चेंज नहीं किया गया। देख सकते हैं पीएमसीएच की बदहाली की कहानी। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर के द्वारा जो दवाई लिखी जाती है मरीजों के बेहतर इलाज के लिए, यह दवाई पीएमसीएच में अवेलेबल नहीं है। अगर पीएमसीएच में दवाई अवेलेबल नहीं है तो फिर डॉक्टर दवाई क्यों लिखते हैं? आखिर मरीजों को बाहर से दवाई लेना क्यों पड़ता है? जैसा कि ये बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 20% 10% का दलाल बैठा हुआ है, 40% दलाल का दवाई का दलाली होता है। ये दलाली का तार कहाँ से जुड़ रहा है? जो दवाई अगर 50 रुपया के है दलाल पर ले जाएगा वो 500 में मिलेगा, 30% आपको कम करेगा, 30% दलाल खाएगा। आज 6 दिन हो गया साहब, हम 40,000 लेकर आए थे, टोटल दवा में खर्चा लग गया, खाना खाने में। अब मेरे पास 200 रुपया है, हम क्या करेंगे साहब? आरा मेरा घर पड़ेगा, हम घर जाएं कि यहाँ इलाज कराएं, क्या करें साहब? मेरा पिताजी को ना लेटरिंग हो रहा है, ना पेशाब हो रहा है, ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहे हैं, ऐसे ही मुर्दा के तरह पड़े हुए हैं। लोग आते हैं, डॉक्टर आती हैं तो बोलते हैं क्या दवा, पर्ची दिखलाओ, पर्ची दिखलाते हैं तो बोलते हैं कि दवा है, यानी कि मेरे पास पैसा उड़ा गया है तो दवा यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है पीएमसीएच के जितने भी अधिकारी हैं ये सब के सब भ्रष्ट हैं, सब के सब भ्रष्ट है, सिर्फ सबको हराम के खाने का पड़ गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, आप हमारा वीडियो में देखिए कि पीएमसीएच में सब क्या कर रहा है। ये मरीज पढ़े लिखे नहीं है, जितना हो सकता है ये काम कर रहे हैं। इनका अब तक 40,000 रुपये खर्चा हो गया दवाई के नाम पर। अल्ट्रासाउंड वाले हो चाहे MRI करने वाले हो, हर एक चीज़ में पैसा लगता है। 5 दवाई लिखता है, अभी मैं ला के आया हूँ दवाई, एक भी दवा मुझे अंदर में नहीं मिला है। अच्छा, एक भी दवा यहाँ पे नीतीश कुमार बोलता है सब दवा मिलता है, जबकि मेरे को अभी दवा लिखा है 5 यहाँ पे, एक भी 5 दवाई है लिखा गया है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन ये खुद ये परिजन है मरीज का, ये दवाई बाहर से लेकर आए हैं। ये देखिए दवाई का यहाँ पे गोरख धंधा हो रहा है, पता है दवाई का सेटिंग है। दवाई इंजेक्शन नहीं मिलता है, सिरिंज वो भी बाहर से लाना पड़ता है, 5 ml का देता है पर 10 नहीं देता है, और टोली भाला भी पैसा मांगता है, 100 रुपया 50 रुपया। डिस्चार्ज किया है अभी तो 200 रुपया मांग रहा है, चाहे लेडीज का हो चाहे जेंट्स का हो। दरवाज़ा भी एक भी नहीं है, पूरा गंद भी है, देख सकते हैं कोई भी वार्ड में दरवाज़ा एक में भी नहीं है, चाहे वो लेडीज का हो चाहे वो जेंट्स का हो, ना नहाने में, ना टॉयलेट में, ना बाथरूम में। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ दलाली का, सावधान पीएमसीएच, कृपया दलाल के हाथों में पुर्जा ना दे। टॉप प्रभारी प्रत्येक दलाल से 1,000 रुपया ले रहा है और दलाली करवा रहा है, देहात के गरीब मरीज फंस जा रहे हैं। आउटडोर पर 100 से ज़्यादा दलाल है, ये आगाह किया गया है कि यहाँ पर जो भी मरीज आ रहे हैं गेट के पास दवाई का दलाल है, उससे बचिए। जन जागृत किया जा रहा है और हम भी जन जागरण का काम कर रहे हैं, अंदर से रिपोर्टिंग नहीं करवाया जा रहा, कहता है कि हम फोर्स बुला लेंगे। अरे हमें फोर्स से डर नहीं लगता है, गरीबों का आवाज़ बने हैं और बनते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि पीएमसीएच में कौन सा खेला हो रहा है। प्लीज जनता के हित में इस खबर को वायरल कीजिए, आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।